आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। सुबह की 7 बजे मैं निकल गया ड्यूटी करने, मतलब पढ़ाने। शायद किसी के घर में आग लग गया, इसलिए बाहर बहुत धुआं आ रहा था। हाईवे के पास आम का तस्करी चल रहा था। इस डर से मैं वापस घर आ गया। पागल होकर निकल गया मैं कॉलेज जाने के लिए। बस में बैठ के मैं आ गया भीड़ भाड़ जगह पे, जो कि कॉलेज के सामने ही था, और मैं कॉलेज आ गया। फिर कॉलेज से निकल के टोटो में बैठ के नजारों का आनंद लेते हुए चलते हुए मैं क्लासरूम पहुंच गया। क्लासरूम का खिड़की से आसपास का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को अपना ड्राइंग का जलवा दिखाया और मैं स्टूडेंट्स के साथ खेलने बैठ गया, जिस खेल का मुझे नाम ही नहीं पता। तभी स्कूल छुट्टी हो गया और हम टेलीपोर्ट होके कॉलेज आ गए, और ऐसे ही हम निकल गए घर के लिए। ऑटो में एक बच्चा दिखाई दी जिसके हेयर कट देख के मेरा आग फूट गया, इसलिए मैं आग बंद करके घर आ गया।